नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 साल से फरार नक्सली हुआ गिरफ्तार। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लखीसराय जिले के बुनिगोचिया के चानन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया। अभियान चलाते हुए टीम ने फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बांसकुंडा डैम और उसके जंगली क्षेत्र में छापेमारी की। यहां फागु कोड़ा नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो वर्ष 2019 से फरार था। इसने अपने अन्य साथियों के साथ नक्सल घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। उस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, वहीं अन्य नक्सली फरार हो गए थे। पीएम मोदी ने G7 के सातवें कार्य सत्र को किया संबोधित। कहा, हम इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ऊर्जा के संदर्भ में परे देखने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यदि हम चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरतमंद देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और किफायती ऋण उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस संकट से निजात नहीं पा सकेंगे। औरंगाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2100 लीटर कच्चा स्प्रिट के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदनपुर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई कर 2100 लीटर कच्चा स्प्रिट के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार। सारे गुजराती ठग हैं। मानहानि में इस मामले पर तेजस्वी यादव को फिलहाल राहत मिल गई है। गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से 3 गवाह पेश किए गए। कहा जा रहा था कि गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट गवाहों और सबूतों पर विचार करने के बाद तेजस्वी यादव को समन जारी कर सकती है, लेकिन कोर्ट से तेजस्वी यादव को फिलहाल राहत मिली है। अब इस मामले में अब 12 जून को सुनवाई होगी। कोर्ट ने एक न्यूज चैनल के संपादक को नोटिस जारी किया। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में गर्जे सम्राट विरोधी को खूब लतारा। बुरे डबल इंजन सरकार से बदलेगा बिहार। खबर है पटना में, जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार तभी चलेगी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार बनने पर बिहार तरक्की करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे, बूथ पर जब तक अपना काम नहीं करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। मधुमक्खियों के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने ही विश्व मधुमक्खी दिवस का मकसद होता है। इस दिन कृषि जगत में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आपको बता दें कि खेती के अलावा भी मधुमक्खी का प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने में भूमिका होती है। वही कारोबार के लिहाज से भी एक अच्छा व्यापार होता है। बिहार में सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देती है। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।